वाली बातें। नंबर वन, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार टूटा हुआ इंसान जब खुद को समेट लेता है, यह समय उसको एक नया इंसान बनाता है। इस इंसान के अंदर लोगों के लिए प्यार तो बढ़ता है, परंतु सबकी निगाह पर पैनी नजर इसका साथ नहीं छोड़ती है। नंबर टू, किसी भी लड़की की फीलिंग को जानने की कोशिश ना करे, सिर्फ उससे पूछे, क्योंकि लड़कियां अपनी फीलिंग को छुपाने में माहिर होती हैं। नंबर थ्री, इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि वह दूसरों से कम होशियार है और अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये लोग ही होते हैं जो किसी को आगे नहीं जाने देते हैं। नंबर फोर, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार अच्छी पढ़ाई करते समय याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 52 मिनट पढ़ने के बाद 17 मिनट का रेस्ट लिया जाए। नंबर फाइव, दोस्तों साइकोलॉजी का ये फैक्ट आपको अंदर तक हिला देगा। जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वह आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे वह अपने दिल के सबसे करीब मानता है। नंबर सिक्स, साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर टूटे हुए इंसान रातों में ज्यादा जागते हैं, इन्हें अकेलापन पसंद आता है। नंबर सेवन, देर रात तक जागने वालों के सामाजिक संबंध खराब होने लगते हैं, ये लोग अपनों में ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। नंबर एट, साइकोलॉजी के अनुसार देर रात में सोने वालों में 5% ही अपने जीवन की खुद की ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं, जबकि 95% उन 5% को अपना आइडल मानते हुए खुद को भी उन्हीं के जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर नाइन, देर रात में सोने वाले एक अच्छे वक्ता और एडवाइजर होते हैं, इनकी सलाह वास्तव में काबिले तारीफ होती है। नंबर 10, देर रात में सोने वाले दूसरों की बजाय खुद पर ज्यादा मेहनत करते हैं, इनकी लिखा